तुम अगर कोई काम करते हो और उसे सच्चे दिल से करते हो, प्रेम के साथ करते हो, तो वह काम तुम्हारा ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब है। तुम ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब हो, चाहे वो काम आटा गूंथना हो, चाहे वो काम हल जोतना हो, चाहे पत्थर तोड़ना हो, चाहे कलम से लिखना हो। ये कहना है खलील गिब्रान का, जो अमेरिकन लेबनीज पोएट हैं और उनकी किताब है द प्रोफेट। ये किताब 1923 में सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी और अभी तक 100 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। इस किताब में अलग अलग विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। इसे हम काव्यात्मक निबंध कह सकते हैं, जिसमें मैरिज है, लव है, फ्रेंडशिप है, जॉय है, प्लीजर और पेन है, जॉय और सौरो है। तो अलग अलग टॉपिक्स पर ये कहानी बताते हैं, कथन बताते हैं और अपना मंतव्य रखते हैं। जैसे पेन, पेन मतलब दुख, दुख से लोग बहुत दुखी होते हैं कि दर्द लोगों को दर्द में लाता है। वो कहते हैं कि पेन बहुत ज़रूरी है, पेन आपके खोलों को तोड़ता है या आपके शेल को तोड़ता है और आप पहले से अधिक ऊर्जावान और नए बनकर के उभरते हैं। विवाह के बारे में वो कहते हैं कि विवाह बहुत ज़रूरी है और विवाह दो व्यक्तियों में होना चाहिए और इतना प्रेम उसमें होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तब तक प्रेम करे जब तक से कि मौत की सफ़ेद चादर उनको अलग ना कर दे। लेकिन विवाह में इतना स्पेस होना चाहिए कि लोग एक दूसरे को खा ना जाएं। वो कहते हैं कि विवाह गृहस्थी का वो मंदिर है जहां पर दो पिलर जिस तरह से मंदिर को इकट्ठा करते हैं, उसी तरीके से पिलर की तरह खड़े रहें पर थोड़ा दूर रहें, एक दूसरे को इनक्रॉच ना करें। खलील गिब्रान की ये इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट जो विवाह में वो लाते हैं वो बहुत सही है। और कहाँ तक सही, ये पढ़ करके आप जानेंगे। जॉय और एंड सॉरो, खुशी और दुख। कहते हैं कि अगर तुम्हारे बेड पर खुशी इठला रही है तो तुम ये मानकर चलो कि दुख तुम्हारे बेड पर लेटा हुआ है। अर्थात जॉय एंड सॉरो ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं। खुशी और दुख इनसेपरेबल हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा साथ साथ आते हैं और साथ साथ ही रहते हैं। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम चाहते हैं कि खुशी तो रहे पर दुख ना रहे, सुख तो रहे पर दुख ना रहे। यही खलील गिब्रान अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक इस किताब में बताते हैं कि खुशी और दुख एक साथ रहेंगे और आपको इनके साथ ही रहना पड़ेगा, आपको इनको स्वीकार करना पड़ेगा। चिल्ड्रन के बारे में वो इस किताब में लिखते हैं कि बच्चे ईश्वर की देन है, वो आपके द्वारा आते हैं, आपसे नहीं आते हैं। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। उनका मानना है कि ईश्वर उनको जीवन के रूप में भेजता है, पर हम क्या करते हैं कि बच्चों पर अपना जीवन, अपनी उम्मीदें, अपनी आकांक्षाएं लादते हैं, जिससे अपना जीवन तो बोझिल होता ही है, बच्चों का जीवन भी बोझिल होते जाता है। इसके अलावा वो लव पे लिखते हैं कि प्रेम अगर आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप प्रेम को स्वीकार करिए, सहर्ष स्वीकार करिए, उसको अपना लीजिए, लेकिन हमेशा इस बात के लिए तैयार रहिए कि प्रेम आपको सैटर्ड कर सकता है, प्रेम आपको तोड़ सकता है, प्रेम आपके सपनों को तोड़ सकता है, प्रेम आपकी आकांक्षाओं को तोड़ सकता है, प्रेम आपको घाव दे सकता है। लेकिन इस वजह से आप प्रेम से दूर मत भागिए। प्रेम को अगर अपनाते हैं तो इन सब चीज़ों को साथ साथ तैयार रहते हुए अपनाना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही पतली किताब है, 128 पन्नों की किताब है, आप जब चाहें एक साथ एक बैठक में पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी दार्शनिक किताब है और अभी तक बहुत ज़्यादा चर्चित और दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और हमारा मकसद तो यही है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में आपके नाक के नथुनों से किताबों की जो सुगंध है वो आपके दिल के किसी कोने में बस जाए और हम फिर से किताब के पन्नों को महसूस करें, किताब के पन्नों को महसूस करें और सोशल मीडिया या डिजिटल कंटेंट्स के अलावा भी हम किताबों के करीब जाएं और किताबें हमारे करीब आएं। तो दोस्तों बने रहिए यूनिक एग्जाम आईएएस के साथ, हम और भी किताबें, कहानियाँ, किस्से लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।